तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये हमारा परवर का कलौंजी है, एकदम बन के रेडी हो गया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट हुआ है, एकदम लजीज, खाने में खाते ही मुंह में घुल जाएगा ऐसा है। और तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं परवर का कलौंजी। तो परवर का कलौंजी हमको कैसे बनाना है, एकदम इजी तरीका और झटपट हो जाए, तो उस तरीके से हम बताएंगे। एकदम इजी तरीका, एकदम सिंपल, और आपको बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो ऐसा तरीका हम बताएंगे परवर का कलौंजी कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आधा किलो परवर ले ली हूँ, और देखिए ये परवर हम मीडियम साइज ली हूँ, ये देसी परवर है, देखिए ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। इसको हम धो के अच्छे से इसको पोछ ली हूँ, और इसको हम ये जो है ऊपर का छिलका हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर के छिलके में भी इसमें विटामिन रहती है, इसके वजह से हम छिलका नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये परवर हमारा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और एकदम ताज़ा ताज़ा परवर है। ताज़ा ताज़ा परवर का कलौंजी बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और एकदम टेस्टी होता है इसका कलौंजी। तो यहाँ पर मैं देखिए मसाला, साबुत मसाला रखी हूँ, ये आप देख सकते हैं, साबुत धनिया है 3 चम्मच, 1 चम्मच जीरा है, 2 मिर्चा है, लौंग है, इलायची है, और काली मिर्च है, इसी में मिक्स है, और ये सरसों है 1.5 चम्मच सरसों है, और 1 प्याज है, लहसुन है। ये सारा मैं ग्राइंड करूँगी, तो इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। इसमें आप थोड़ा सा अदरक भी ले लीजिएगा, मैं ली नहीं हूँ। तो इसका हम पेस्ट बना के बताते हैं। और ये जो हमारा परवर है, इसको हम कैसे कट करेंगे तो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, परवर को हमको इस तरह से काटना है, ये देखिए ऐसे करके, ये जो इसका फल है इसको हम निकालेंगे, निकाल के अलग प्लेट में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीका है इसको निकालने में, और देखिए बहुत आसानी से निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप चाहे चम्मच से, चाहे चाकू से, किसी भी चीज़ से इसको निकाल सकते हैं। और इसको हम साइड साइड से कट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, हमको सिर्फ ऐसे बीच से कट करना है। और कट करने के बाद ये जो इसका फल है इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे करके हम सारा निकाल लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा परवर है इसका सारा फल निकाल के रख ली हूँ, और सारा अच्छे से एकदम कट कर ली हूँ, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मसाला हमारा एकदम अच्छे से पेस्ट बन गया है और पिसा गया है बढ़िया से। अब हम इधर गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर रख दी हूँ कढ़ाई हीट होने के लिए। इसमें 1.5 चम्मच सरसों का तेल ऐड की हूँ, आप चाहे तो रिफाइन से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों के तेल से बहुत अच्छा बनता है। तो हम इसमें मसाला भूनेंगे, तो थोड़ा सा हम मेथी डालेंगे फ़ौरन के लिए, थोड़ा सा अजवाइन है, और थोड़ा सा मंगरेल है, हम तीनों इसमें ऐड कर दी हूँ। और इसको हम हल्का सा तड़कने देंगे, जब ब्राउन हो जाएगा तो हम मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, इसमें मैं मसाला ऐड कर दी हूँ, और ये अच्छे से ब्राउन हो गया था। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सूखा मसाला है, ये हल्दी है 1/2 चम्मच, और ये गरम मसाला है 1 चम्मच। तो इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। और आप चाहे तो ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हमको मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, इतना ध्यान रहे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। तो इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, कम से कम 3 से 4 मिनट लगा है मसाला भूनने में। अब ये मसाला देखिए नीचे से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है, तो 2 मिनट और हम भूनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पल निकाल के रखी थी इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे, और इसको भी हम 2 मिनट भूनेंगे, और ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसको हम अच्छे से इसी में मिक्स कर लेते हैं, और इसको 2 मिनट और भूनेंगे, तब ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसाला एकदम अच्छे से भुना गया है। अब इसको हम नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और हम परवल का फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तेल रख दी हूँ गरम होने के लिए, ये यूज किया हुआ तेल है। तो इसको हम अच्छे से गरम होने देंगे और गरम होने के बाद ये जो हमारा परवल है इसको जो हम कट करके रखे थे इसको हम इसी में ऐड कर देंगे और एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पे। हम एकदम नया तरीका आपको बताएंगे, एकदम ईजी तरीका कलौजी बनाने के लिए। आप इस तरीके से ज़रूर अपने घर पे बना के देखिएगा, जैसे शादी विवाह में बनता है उसी तरीके से, और एकदम झटपट होने वाला ये कलौजी तैयार हो जाएगा जल्दी से। तो ये जो है मैं ऐसे ही इसको इसमें तेल में ऐड कर देंगे और तेल हमारा गर्म हो गया है तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और जब तक हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तब बताते हैं मसाला कैसे हमको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे तेल में ऐसे इसको जला देंगे और इसको हम ऐसे फ्राई होने देते हैं। तो कम से कम हम 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बीच बीच में ऐसे घुमाते रहेंगे, एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए तो एकदम सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसको ऐसे ऐसे करते रहिए, एकदम इजी तरीका है दोस्तों और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर आप अपने घर पर इस तरह से बना के देखिएगा तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे, कहेंगे कि वाह कितना अच्छा। ये ऐसा कलौजी है कि इसको आप 10 से 15 दिन स्टोर करके रख सकती हैं और 10 से 15 दिन खाइए आराम से, एक बार बनाइए 10 दिन खाइए। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये फ्राई हो गया है, कम से कम 5 से 6 मिनट लगा है फ्राई होने में। और अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए हम इस तरह से निकालेंगे और गैस को हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये ठंडा हो गया है और इसको हम इस तरह से ये जो मसाला है इसमें हम ऐसे भरेंगे। तो इस तरह से बनाने से हमारा मसाला ज़रा भी वेस्ट नहीं होता है और सारा यूज हो जाता है। तो देखिए और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी। तो हम मसाला ऐसे ही भर लेंगे, भरने के बाद ऐसे साइड में इसको रख देते हैं। तो हम सारा ऐसे एक एक करके भर के तब दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये हमारा परवल का कलौजी है, एकदम बन के रेडी हो गया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट हुआ है, एकदम लजीज, खाने में खाते ही मुंह में घुल जाएगा ऐसा है। और तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एकदम हमारा साथी वाला कलौजी तैयार हो गया है परवल का, एकदम लजीज एकदम मस्त। तो अगर आपको इसको गर्म करना है तो आप देखिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिन, और नहीं तो इसको देखिए तावे पे अगर ठंडा हो गया हो तो तावे पे इसको ऐसे करके इसको गर्म कर सकते हैं और टेस्ट आपका एक नंबर का है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।